हेलो एंड वेलकम ऑन द फ्लोर मैं हूं आदेश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका ऑन द फ्लोर की इस नई एपिसोडिक सीरीज में जिसमें आपके सवालों का जवाब देंगे बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट मिस्टर दिनेश व्यास तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड वेलकम सर स्वागत है आपका थैंक यू शो शुरू करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं आपके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए क्योंकि ये ओ एक ऐसा पहला चैनल है जहां पे 10,000 प्लस जो सब्सक्राइबर बेस है वो पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स का और डिज़ाइनर्स का बेस है आई थिंक क्रेडिट गोस टू दीपल चैनल एंड एंड थैंक यू फॉर दियर डिलीवर सम वैल्यू आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी पब्लिकली सो डेफिनेटाइट थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सो मैनी इन्फॉर्मेटिव क्योंकि इतने अनबायस तरीके से आज तक वीडियोजी एफ के जैसे बने हैं वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे तो मेरे पास बायस होने के लिए कुछ है भी नहीं सो सर शुरू करते हैं आज का शो आज का जो पहला सवाल है मेरे हाथ पे सर माई मेशन इज सजेस्टिंग टू मिक्स सीमेंट इन टाइलिव फॉर मोर स्ट्रेंथ माई क्वेश्चन इज How much cement can we mix? See the tile adhesive that mostly that uh, the person is referring is basically they are using cementitious tile adhesive okay. and as every cementitious tile adhesive have got three basic components. Correct. One is sand, okay. one is cement okay. and third important component is polymers. Right. See the role of tile adhesive is what and why they were invented or developed. बिकॉज द मॉडर्न सिरेमिक टाइल विच आर विट्रीफाइड और पोर्सलीन टाइल्स देयर बॉडी डज नॉट हैनी पोसिटी ओके एंड सीमेंट कैन नॉट क्रिएट एडिशन विद सच टाइप ऑफ टाइल विद द सबस्टेट राइट उसमें जगह ही नहीं है पोरासिटी नहीं है ठीक है इसीलिए सीमेंट से टाइल ना लगा के वी यूज गुड क्वालिटी ऑफ टाइल एडेसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज टाइल एडेसिव फॉर ऑल दीज टाइल्स आर सीमेंटेशियस टाइल एडेसिव ओके तो ये कोई जो प्री मिक्स चाय आती है ना वैसा नहीं है कि इफ आई वॉट इफ मैं थोड़ा दूध ज़्यादा डाल दूँ या शुगर ज़्यादा डाल दूँ स्वाद <laughs> स्वादानुसार नहीं है इसमें दिस इज़ अ केमिस्ट्री इफ यू एड मोर सीमेंट इट विल ओनली डायल्यूट द स्ट्रेंथ ऑफ टाइल एडेसिव इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज जब आप देखते हैं कि सीमेंट से तो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं और ब्रिजेस बन रहे हैं फ्लाई ओवर <laughs> बन रहे हैं तो सीमेंट इज द माइटी द जॉइंट स्ट्रेंथ वो ठीक है बट कंक्रीट में भी अगर आप सैंड निकाल लोगे सिर्फ सीमेंट भर दोगे या जो उसमें स्टील पड़ा वो निकाल दोगे तो खाली सीमेंट से उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं आती तो टाइल एडेसिव इज अ बैलेंस्ड फॉर्मूला हाँ चूज़ द राइट टाइल एडेसिव दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट डू नॉट ट्राई टू क्रिएट योर ओन मिक्स अगर कुछ मिक्स करना ही है तो उसमें पॉलीमर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ सकती है उसके लिए पॉलीमर एडमिक्सर्स आते हैं बट मेरी ये सलाह है

अर्निंग गुड ऑफ टाइल कंपनीज लेकिन कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं है ठीक है True. तो अब जिस बंदे को बेचारे को पता नहीं है उसको तो यही लगता है ना कि सब कुछ सीमेंट से होता है हाँ. आज गाँव में कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो लगता है ठेकेदार ने सीमेंट कम डाला था वो हो सकता yes. है बट सीमेंट इज नॉट द ओनली थिंग तो उसको लगता है सीमेंट डालने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर सीमेंट सफिशियंट होता तो टाइल एडेसिव की जरूरत ही नहीं थी टाइल एडेसिव इज अ कंप्लीट केमिकल कंपाउंड यू कैन से वेन यू एड वाटर इट क्रिएट्स द स्टेंथ उसमें कोई शॉर्टकट ना मारे इफ यू आर अवेयर टेल दॉट रिक्वा जॉब डन मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरे एक डिजाइन प्रोजेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था हुँ. तो उसमें मेसन ने मुझे एक चीज सजेस्ट की जब फ्लोर टाइल आप लगाते हो तो एडासी की कोई जरूरत नहीं है आप उसको सीमेंट से लगा दो

कहां से पकड़ेगा कोई चीज पकड़ने के लिए नहीं है तो कहां पकड़ेगा इफ द मेसन इज सेंग बिलीव मी इट इज नॉट बिकॉज ही इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू स्पॉय योर वर्क हि सेंग सिंपली बिकॉज ही हैज नॉट बीन एजुकेटेड करेक्ट सर सो नाउ यू अंडरस्टैंड इट ट्राई टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स श्योर सर और जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूंगा कि जो यहाँ पे सर ने टाइल्स की क्लासिफिकेशन की बात की है उसके लिए आई बटन में मैं वीडियो लगा दूंगा क्योंकि वहां पे बताया गया है कि नॉन पोरस कौन सी टाइल होती है की मार्केटिंग हो रही है बस करेक्ट ये ओ की <laughs> मार्केटिंग हो रही है क्योंकि ओ एक जो चैनल है वहां से इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये देख रहे हैं उनको रिलीवेंट जो वीडियोज हैं वो भी मिल सकते मुझे याद है मैंने दो तीन पॉडकास्ट किए हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अपने सवाल पूछने हैं तो आप नीचे दी हुई ई मेल आई डी पे अपने नाम के एड्रेस के साथ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स नीचे जो यूट्यूब है वहाँ पे आप डेफिनेटली डाल सकते हैं और अगर आप चाहें उसके बावजूद तो आप बोल दें मेरा नाम ना लीजिएगा सो डेफिनेटली आई नॉट टेक यू नेम सो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगले एपिसोड में एक नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए देखते रहिए ओ को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग अस सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू